भाजपा की सरकार में ऊपर से नीचे तक घोटाला ही घोटाला अब है। महंगाई से लोग त्रस्त, बेरोजगार हो गए पस्त, केवल भाजपा के लोग मस्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिले की सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व विधायक अभय मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर से नीचे तक घोटाले ही घोटाले में फंसी हुई है। आम आदमी का रुख बदलाव की ओर है और उनकी समझ में आ चुका है, इसलिए भाजपा के लोग अब अन्य हथकंडे अपनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप सबको जागरूक रहना है और इन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार हो जाना है। ये बात आज आम जनों से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान विभिन्न गांवों की नुक्कड़ सभाओं में कही। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा गुरुवार को कंचनपुर, मनकहरी, तेलिनी, साथिनी, मुड़ियारी, झिरिया, चौरा, दुबगवा, कुशवार आदि गांव पहुंचे हुए थे, जहां वे आम नागरिकों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान लोगों ने खुलकर कहा कि परिवर्तन की लहर में हमारा समर्थन रहेगा। इस दौरान क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि वर्तमान में खाद, बिजली, पानी की समस्या बरकरार है, अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के पास समय नहीं है, ऐसे में जनता के हाल बेहाल होते जा रहे हैं। इस दौरान श्री मिश्र ने आश्वस्त किया कि आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार और उसके जनप्रतिनिधि किसानों के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले किसानों की ऋण माफी योजना लाई थी और इसका लाभ लाखों किसानों को मिला था। अब भाजपा सरकार ने फिर से वसूली चालू करवा दी थी, अब ऋण के ब्याज की वसूली स्थगित करवा कर अपने को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। श्री मिश्र ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार केवल झूठ और फरेब की दम पर चल रही है, लेकिन लोग समझ चुके हैं और एक बार फिर लोग कांग्रेस का साथ देने का मन बना चुके हैं तथा पूरे प्रदेश में भाजपा को करारा जवाब देंगे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।